नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे राज्य सरकारों को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है और कहा है कि किसी भी राज्य को अब बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर एक्शन नहीं लेना होगा। यह आदेश उन याचिकाओं के संदर्भ में आया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि सरकारें प्रतिशोध की भावना से बुलडोजर एक्शन ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में बुलडोजर एक्शन की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने इस संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया है और कहा है कि आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नहीं लागू होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क या फुटपाथ पर अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है। यह आदेश उन याचिकाओं पर आधारित है जो यह दावा कर रही हैं कि बुलडोजर एक्शन को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में उपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है वे पहले से भी विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और उनके घरों को गिराने की कार्रवाई संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। वहीं सॉलिसिटर जनरल यानी कि एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश में हुई बुलडोजर की कार्रवाइयों में विभिन्न संप्रदायों के लोग शामिल हैं और यह स्थिति चिंता का विषय है। इस पर कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर विस्तृत विचार करने का निर्णय लिया है और उस समय तक किसी भी राज्य को बुलडोजर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मानक स्थापित कर सकता है जहां सरकारी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है। यह आदेश राज्य सरकारों को चेतावनी देता है कि वे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले कानूनी मानकों और न्यायिक निरीक्षण का पालन करें। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।